हेलो गाइस, वेलकम टू पी ब्यूटी प्लस। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, अगर आपकी स्किन रहती है रूखी बेजान सी और आपके फेस पर कोई भी ग्लो नहीं है तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा फेस पैक लेके आई हूँ जिसे लगाने से आपके फेस पर एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन होगी। इस फेस पैक के लिए जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी वो सब हमें घर में ही मिल जाएंगे आराम से, बाहर से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इन्हें लगाने से। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर देना, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और गाइज़, ये वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। स्किप कर दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा मैंने कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स कितने कितने डाले हैं। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो लेंगे हम चावल। चावल हम सबके घर में आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल चावल ले रही हूँ, हमें नॉर्मल चावल ही लेने हैं जो हमारे घर में रहते हैं। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच चावल ले रही हूँ। चावल हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं गाइस। चावल हमारे फेस की स्किन को टाइट करते हैं और चावल में बहुत से विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है गाइस। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 घंटे तक छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें, जितना मैंने चावल लिए हैं उसका दुगना मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ये। और उसके बाद हम इस पानी को हम अलग निकाल लेंगे जो हमारे चावल का पानी है। तो यहाँ पर मैंने खाली बाउल ले लिया है, एक खाली बाउल में मैं पानी निकाल लूँगी। और जो ये चावल बचे हैं गाइस, ये हमें इसका एक पैक बना लेना है। तो ये मैं आप चाहें तो एक पत्थर पे घिस के कर सकते हैं या फिर मिक्सी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका चावलों को पीस के पेस्ट बना लिया है। और चावल का पेस्ट हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है गाइस। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। जो हमारा प्लांट होता है एलोवेरा का, आप वो एलोवेरा ले सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच एलोवेरा ले लिया है। और अब मैं लूँगी डाबर हनी, डाबर का हनी। ये आप चाहे जो भी यूज़ करते हैं आप वो हनी ले सकते हैं। हनी भी हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम इस हनी से हमारे फेस पर ग्लो आता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है, कच्चा दूध मैंने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच। तो ये मैंने तीनों ही चीज़ें 1-1 चम्मच ली हैं गाइस। ये मैंने अच्छी तरीके से पैक बना लिया है। और वो जो मैंने पानी निकाला है वो मैंने अलग ही रहने दिया है। तो ये मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। जब भी हम पैक लगाते हैं तो हमारा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, हमारे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। तो ये मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और खूब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमें अपने फेस पर लगा रहने देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने खूब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट अपने फेस पर लगा रही हूँ। और जो हम अपने फेस पर लगाएंगे गाइस वो हमें अपने नेक पर भी लगाना चाहिए। ये मैं पैक अपने नेक पर भी लगाऊंगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर देना। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने फेस पैक अपने फेस पर लगा लिया है। यह हमें 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। 20 मिनट के बाद ये हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है सिंपल पानी से। ये आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं और आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना गाइज। तो जो मेरा चावल का पानी मैंने निकाल लिया था अलग, उसमें मैं इस गुलाब जल ऐड करूँगी। तो ये एक टोनर का काम करेगा गाइज। जो चावल का पानी होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक बेस्ट टोनर का काम करता है।
आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद आप 2-3 दिन तक इसे यूज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल के साथ मिला के अपने फेस पर मैं लगा रही हूँ, और इसके बाद हमें कोई साबुन वगैरह नहीं लगानी है, कोई फेस वॉश नहीं लगाना है। और आप इसे लगाने के बाद देखना आपके फेस पर एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। और गाइज, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पी वीडियो प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।